हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। हाँ सुनिए, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है कहानी, एग्जाम सर पे है, मैं अपने वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ। बढ़ाना मीन्स मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ही वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन एक घंटे का लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने की। एक घंटे का एक वीडियो में लगभग अपलोड करूंगा, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी तरह से, ताकि सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो। दूसरी चीज, एक और कई बच्चों की डिमांड है कि सर थोड़ा साथ साथ प्रैक्टिस भी लीजिए। तो अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने वाला हूं। अभी मैं क्या कर रहा था, सिर्फ सिखाने पर ध्यान दे रहा था, सिखाने के साथ साथ अब मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और एक और चीज जो मैं नहीं ला रहा हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम खर्च होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को लेकर के। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सीधे YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाइए, YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक से आप शीट को डाउनलोड करिए, उस लिंक से आप शीट को डाउनलोड करिए। वो शीट अपने पास रखिए, तो हार्ड कॉपी निकाल लें या फिर सॉफ्ट कॉपी, जैसे आपको निकालना है, शीट अपने साथ रखिए। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन सीधे बोलूंगा और सीधे आपके हाथ में शीट होगी, मेरे हाथ में शीट होगी, हम सॉल्व कर रहे हैं सीधे, मतलब सॉल्यूशन का काम केवल रह जाएगा, सवाल की कहानी खत्म। तो चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं शीट में से 62, मैं क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूं यहां पर, है ना, क्वेश्चन नंबर है 62, 62 नंबर का सवाल। देखिए क्या है सवाल, अ पर्सन हैज रुपीस 5000, एक व्यक्ति के पास कितने हजार रुपए हैं, 5000 रुपए। मेरे पास 5000 रुपए हैं, ही इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ इट एट 3% पर एनम एंड रिमेनिंग एट 8% पर एनम। हिंदी में, वह इसका कुछ भाग 3% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष को 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। मतलब दो टुकड़ों में निवेश किया। आप सवाल को पढ़ो ठीक से, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, इसको 3% की दर से और दूसरे को किस दर से निवेश किया, 8%। पहले को 3% के रेट पर, दूसरे को 8% के रेट पर, क्लियर। हम एलिगेशन टॉपिक पढ़ रहे, तो एक टुकड़े पर 3% ब्याज मिलेगा, दूसरे पर 8% मिलेगा, तो मेरे 5000 रुपए पर कुछ तो परसेंटेज मिलेगा ओवरऑल। एक तरफ मैंने 3% ब्याज मिलेगा, 3% प्रॉफिट ब्याज, मजा आएगा, एक तरफ 8% ब्याज मिलेगा, 8% प्रॉफिट, 8% ब्याज। सो दोनों को मिला के 5000 रुपए के ऊपर, 5000 रुपए ऊपर कुछ तो मेरे फायदे का परसेंटेज बनेगा, 5000 रुपए के ऊपर कुछ तो ब्याज दर का प्रतिशत बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए पूरे 5000 पर, पूरे 5000 प्रिंसिपल पर, उधारी पर मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, देखो लिखा है 3 साल का ब्याज 750, 3 ईयर्स, 3 साल का ब्याज 750, तो बताओ 1 साल का कितना आएगा, 1 साल का 250 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, 1 साल का ब्याज 250 रुपए। तो ओवरऑल फायदे का प्रतिशत मेरा आ जाएगा 5000 रुपए के ऊपर हर साल, कितना प्रॉफिट है मेरा, कितना ब्याज है 250। एक्चुअली 3 साल का दिया है, हमें चाहिए 1 साल का, क्योंकि ये 3% 1 साल का है ना, ये 8% 1 साल का है, तो एवरेज परसेंटेज ओवरऑल भी एक ही साल का आएगा, ये 1 साल का, ये 1 साल का, तो यहां भी क्या आएगा 1 साल का। या फिर आप चाहो तो इन दोनों को 3-3 साल के बना लो, तो यहां भी 3 साल का जाए, 3 साल 3 साल 3 साल, 4 साल 4 साल 4 साल, 1-1 साल ले रहे तो 1-1 साल ही लेंगे, तो 750 3 साल का, 1 साल का 250 बना, तो 5000 पर 250 का परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये 3-0 से 3-0 गए, 25/5, देखो जरा 5% आएगा कि नहीं आएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना है 5%। 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3, और 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, यानी कि ये 5000 रुपया किस रेशियो में टूटा, ये 5000 रुपया किस रेशियो में टूटा, 3:2 में, 3:2, यानी कि ये वाला आपका 3000, ये वाला आपका 3000 और ये वाला आपका 2000, 3:2, ये वाला आपका 3000 और ये वाला आपका 2000, ठीक। तो ये 3000 की राशि और ये राशि कितने की है 2000 की, समझ में आई बात। तो सवाल में यही तो पूछा था कि भैया प्रारंभ में 5000 को जब मैंने दो टुकड़ों में दिया तो किसको कितना कितना दिया, तो 3000 और 2000। एक और चीज समझ में आती है कि भैया ये रेशियो किस चीज का था, तो मैंने बताया था आपको ब्याज प्रतिशत एक प्रकार से प्रॉफिट परसेंट ही है ना, तो प्रॉफिट परसेंट में रेशियो किसका आता है, सीपी का, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि जो लगाया उसने, जो लगाया, तो लगाया कितना, 3000 और 2000 लगाया दोनों पर, तभी तो ब्याज आया उसको, समझ में आई बात। चलिए अगला सवाल लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:3, जैसे एक क्लास है, एक क्लास में लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात, सवाल को पढ़ो आप,
एक क्लास में लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:3। लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:3। सवाल को ठीक से पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, 5:3 है ना, ठीक है। इफ सर्टेन स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, यदि कुछ संख्या में विद्यार्थी कक्षा में आ जाते, कुछ नए आ जाते, नए आ जाते, तो ये तो था ही टोटल, ये तो थे टोटल, ठीक है, ये ओरिजिनल, ओरिजिनल में कुछ नए आ गए, नए कौन आ गए? बॉयज और गर्ल्स, है ना, ओरिजिनल तो थे ही, ओरिजिनल में कुछ नए आ गए, नए बॉयज एंड गर्ल्स आ गए, ठीक है। देखो क्या है सवाल, इफ सर्टेन स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, सर्टेन स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, यदि कुछ संख्या में विद्यार्थी आ जाते हैं, कितने आए नहीं पता, आ जाते हैं, तो नया अनुपात, द क्लास रेशियो बिकम 7:7, तो नया अनुपात, नया अनुपात यानी कि इन दोनों को मिलाकर के, ध्यान दें आप शब्दों पर, इसका रेशियो नहीं है ये 7:5, जो नए आए, नए आने वालों का रेशियो नहीं है 7:5, 7:5 रेशियो किसका है? नया अनुपात। इनके साथ जब ये नए मिल गए, मिलने के बाद का कंबाइंड मिक्सचर फॉर्म में नया अनुपात क्या है? 7:5। समझ में आई बात? तो नया अनुपात आपको दिया है 7:5, शब्दों पर ध्यान दो आप, वो नहीं दिया। अब आगे पढ़ते हैं ना, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 1200, कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 1200। विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 1200। तो ओरिजिनल प्लस न्यू सब मिला के, ओरिजिनल प्लस न्यू सब मिला के कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 1200, है ना, कुल विद्यार्थी हो गए 1200। इफ रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु जॉइंड, अब देखो क्या दिया है, ठीक है, हाँ, यदि नए आने वाले, ये रहे, यदि नए आने वाले विद्यार्थियों की, कहां गया यार, हाँ ये रहा, यदि नए आने वाले विद्यार्थियों की लड़कों से लड़कियों का अनुपात 5:7 है, देखो लास्ट में दिया ही है, मैं घुमाया गया है, लास्ट में दिया है 5:7, ठीक है ना। इंग्लिश में इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु जॉइंड लेटर इज 5:7, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज बिफोर न्यू एडमिशन। तो क्या पूछा जा रहा है कि भैया नए एडमिशन से पहले, नए लोगों के आने से पहले क्लास में लड़के कितने थे? लड़के, तो नए लोगों के आने से पहले इस क्लास में लड़के कितने थे, ये चीज हमें निकालनी है कि नहीं निकालनी? लड़के, नए लोगों के आने से पहले क्लास में लड़के, ये बी यहां का लड़का हमें निकालना है। तो चलिए देखिए, अब लगा लेते हैं एलिगेशन, चलिए एलिगेशन लगाता हूं मैं, है ना। तो ये रेशियो वाला एलिगेशन मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए आप पीछे जाकर के, दूध और पानी का ऐसा सवाल मैंने करवाया जिसमें ऐसे ऐसे करके हमने रेशियो निकाला था, बताया था, पिछला वीडियो देखिए आप, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिए ऐसे रेशियोज वाले एलिगेशन को कैसे हल करना है, 5:3 कितना होता है? 8, 5:3 8, 5:7 कितना होगा? 12, और 7:5 कितना होगा? 12। इन तीनों को इक्वल किया जाता है, इन तीनों को इक्वल सेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? पुराने वीडियोस देखिए सब पता चले, एक एक चीज ओपन कर करके बताइए मैंने। तो 8 12 12 का एलसीएम 24, तो 24 बना लो (3), तो (3) इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यहां 24 तो (2), इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यहां 24 तो (2), इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। समझ में आई बात? अब देखिए हमें ओरिजिनल से नए लोगों की संख्या का अनुपात निकालना है, संख्या का अनुपात। तो देखिए या तो आप लड़के 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 का एलिगेशन लगा लो तो भी संख्या का अनुपात आ जाएगा, या फिर लड़कियों 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 का एलिगेशन लगा लो तो भी संख्या का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए लड़का लड़का और लड़का, ये लड़के 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 वाले पार्ट को लेकर लगा रहा हूं मैं, 10 और 14 का अंतर कितना है? 4, और 15 और 14 का अंतर कितना है? 1, यानी कि ओरिजिनल प्लस न्यू बराबर टोटल विद्यार्थी कितने? 5। ओरिजिनल विद्यार्थी की यूनिट क्लास में 4 यूनिट थी, नयों की कितनी हो गई? 1 यूनिट, और कुल कितने हो गए? 5, और ये कुल 5 = 1200। यदि 5 = 1200 तो 1 = 240 है कि नहीं है इस कहानी में? यदि 5 = 1200 तो 1 = 240, या फिर (240) का रिलेशन है या नहीं? 5 = 1200 तो 1 = 240, यानी कि (240). तो चलिए 4 = 4 × 240 कितना आएगा? 960। क्लियर? 960 को 5:3 में ब्रेक कर दें। ये 960 तो ओरिजिनल विद्यार्थी, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी क्लास को, नए आने से पहले वाली पूरी क्लास की संख्या कितनी? 4। ये 4 बराबर, यदि 5 = 1200 तो 4 = 960,
यानी कि कुल विद्यार्थी नए आने से पहले कुल विद्यार्थी कितने थे? 960 थे। 960 में से हमें केवल लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों और लड़कियों का रेशियो हमें पता ना, 5 और 3, तो 5/3 में बांट ले तो लड़कों की संख्या कितनी आएगी? 8 में से 5वां भाग, 8 में से 5वां पार्ट लड़कों का है ना, 8 में से 5वां पार्ट लड़कों का है। किसका? 960 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है? कितना आएगा? शायद 600 आएगा, आई थिंक। हाँ, 600। सो लड़कों की संख्या कितनी? 600। सेकंड्स लगेंगे, नॉलेज जितना डीप होगा और अंडरस्टैंडिंग जितनी क्लियर होगी क्वेश्चंस की, उतना मजा आएगा आपको क्वेश्चंस में। चलिए अगले पे आते हैं। चलिए अगला सवाल, शीट में से सवाल नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या दिया है। गोल्ड इज 5 times एज हैवी एज वॉटर, सोना पानी से 5 गुना भारी। अब सीधी सी बात है, पानी रखोगे और गोल्ड रखोगे सोना, तो पानी सोना भारी तो हो गई, कितने गुना भारी है? 5 गुना। गोल्ड पानी से, गोल्ड पानी से कितने गुना भारी है? 5 गुना। यदि इतने ही बड़े बर्तन में पानी का भार 1 किलो है, तो इतने ही बड़े बर्तन में यदि गोल्ड रखते हो तो 5 किलो है, भार का कंपैरिजन, ठीक है? आगे क्या बोला है? सिल्वर इज 2 times एज हैवी एज वॉटर। सिल्वर पानी से दुगना है। यदि वॉटर 1 किलो है तो सिल्वर, चांदी कितना है? 2 किलो। चांदी पानी से दुगना है, यानी कि चांदी कितना है? 2 किलो। अब सवाल क्या है देखिए, इन विच प्रोपोर्शन दिस 2 metals बी मिक्स्ड, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि सोना और चांदी को। अच्छा, सोना पानी से कितने गुना है? 5 गुना, और चांदी पानी से कितने गुना है? 2 गुना। इस प्रकार का सवाल मैंने अपने लास्ट वीडियो में उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली क्या, ये जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं नॉर्मली समझ आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो क्लियरिटी होगी ना, उसके लिए मैंने एक सवाल करवाया था अपने लास्ट सेकंड या थर्ड वीडियो में, शायद आप देखिए पीछे जा करके, उसमें मैंने एक सवाल करवाया था कि लिक्विड पी, पदार्थ पी पानी से इतने गुना भारी है, लिक्विड क्यू पानी से इतने गुना भारी है, पदार्थ पी, ऐसे करके आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है? वो देखिएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यहां में उसी का एक शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसी का शॉर्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है, छोटा सा वही कंसेप्ट इसमें भी लग रहा है। पूरी कहानी इसमें नहीं सुनाऊंगा, पुराना वीडियो जाकर देखिए, वहां से आपको पता चलेगा। मैं सीधे बता रहा हूं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, सोना पानी से 5 गुना भारी है, चांदी पानी से 2 गुना भारी है, और जो मिश्रण बनेगा वो कैसा होना चाहिए, क्या डिमांड है? देखो सवाल पढ़ो, इन विच प्रोपोर्शन दिस 2 metals बी मिक्स्ड सो दैट मिक्सचर बिकम्स 3 times एज हैवी एज वॉटर, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण पानी से 3 गुना भारी हो। 3 गुना, ये 5 गुना, ये 2 गुना, तो मिश्रण पानी से कितने गुना होना चाहिए? 3 गुना। सोना 5 गुना, चांदी, इन दोनों को मिलाना, दोनों को मिला के मिश्रण बनाना, वो मिश्रण पानी से 3 गुना होना चाहिए। 3 और 2 का डिफरेंस 1, 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो किस रेशियो में मिलाया जाए सोना और चांदी को? 1:2 में, यही पूछा है ना, तो सोना और चांदी को किस रेशियो में मिलाया जाए? 1:2 में। बड़ा इजी सवाल है, ठीक है ना, छोटे छोटे सवाल। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए सवाल नंबर 43 है ना, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक। अ मैन परचेस्ड अ बुक एंड पेन, एक आदमी ने एक बुक और एक पेन खरीदा 1300 रुपए में, 1300 रुपए में एक बुक और एक पेन खरीदा, ठीक है ना। उसने पेन को बेचा 20% प्रॉफिट पर, पेन शब्दों पे ध्यान दे, उसने पेन को बेचा 20% प्रॉफिट पर, तथा पुस्तक किताब को बेचा 25% प्रॉफिट पर, किताब को बेचा 25% प्रॉफिट पर, और पूरे सौदे में 23 1/13% का प्रॉफिट है। पूरे सौदे में कितने का प्रॉफिट है? 23 1/13% का प्रॉफिट है। तो सीधे सवाल, स्पेशली सवाल डिजाइन किया गया है कि भैया एलिगेशन लगाओ, स्पेशली डिजाइन है, इसलिए तीनों परसेंटेज गिवन है। चलिए इसका डिफरेंस कितना आएगा? 3 1/13, और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1 12/13। इसका डिफरेंस आएगा 3 1/13, कैसे आएगा देखो ना, 20 के रिस्पेक्ट में 23 1/13, देखो 3 सही 1/13 ही तो एक्स्ट्रा है, अलग ही दिख रहा है, तो अंतर कितना है? 3 1/13 है ना, और इधर की बात करें तो इधर अंतर कितना है? 25 से 23 1/13 से 25, इन दोनों का डिफरेंस मैं बता रहा हूं, तो इनके बीच में 24 आएगा नहीं आएगा? अच्छा, यहां से यहां तक 1 की दूरी है कि नहीं है, और यहां से यहां तक की दूरी 12/13 है कि नहीं है? सो 1 + 12/13 टोटल 1 + 12/13, 1 12/13 हो गया कि नहीं हो गया दोनों मिला करके? टोटल दूरी, ये दूरी 1 की है और ये दूरी 12/13। एक्चुअली देखिए, 1 में से 1/13 गया तो बताओ 12/13 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 1 में से 1/13 ले लिया ना, तो डिफरेंस कितना बचा? 12/13। एक और
इतना तो आपको आता होगा यार, है ना। तो एक 12/3 इसको सॉल्व करेंगे, 13 3 39 13 + 1 40/13, और इधर पे आएगा 25/13, 13 13 कैंसल, 40/25, 8:5। तो क्या रेशियो? 8:5। 8:5 में 1300 को ब्रेक करो तो किताब की लागत 800 और पेन की लागत 500 आ गई दोनों की लागत। जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे एलिगेशन खेलते तो रेशियो किसका आता है? सीपी का, लागत का, है ना। तो लागत का रेशियो क्या है हमारा, देखा आप लोगों ने, 8 से 5, 800 और 500। छोटे छोटे सवाल हम कर रहे हैं, मैं सब कुछ समेट रहा हूँ, एक्चुअली मैं अब सब कुछ ही करवाने का सोच लिया है मैंने, छोटे भी करवाऊंगा बड़े भी करवाऊंगा सब करवाऊंगा लाइन से स्पीड से, है ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41, सवाल नंबर 41 ठीक। देखिए सवाल नंबर 41 शांति से पढ़ लीजिए, सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। चलिए देखिए, मैं एक चीज बता दूं, एलिगेशन कब लगता है? जब दो चीजें मिलती है, दो चीजें मिलती हैं तब लगता है एलिगेशन। इस सवाल को ठीक से पढ़ोगे तो आप देखोगे इस सवाल में भी दूध और पानी का मिलना हो रहा है, दूध और पानी का मिलना हो रहा है। अब देखो क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर इज 1/10 ऑफ द प्राइस ऑफ मिल्क। यदि दूध 10 रुपए प्रति लीटर है तो पानी 1 रुपए प्रति लीटर है, यानी कि दूध का 1/10 लागत है पानी की। नॉर्मली सवाल में पानी की लागत क्या मानते हम, जीरो, बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, जीरो, लेकिन सवाल में स्पेशली पानी की वैल्यू बताई गई है इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा फिर, है ना। शायद वो बिस्लरी वाला पानी यूज कर रहा हो, अच्छा वाला पानी, है ना, स्पेशल दुकान होगी। तो देखिए पानी की लागत दूध का 1/10 है, यदि दूध माना कि 10 का, तो पानी उसको कितने में पड़ रहा है अपनी दुकान में, 1। लागत कॉस्ट प्राइस ध्यान रखना क्या है, कॉस्ट प्राइस है 10 के भाव का दूध और 1 के भाव का पानी उसने मिलाया, मिलाने के बाद जो भी मिश्रण बनाया वो मिश्रण उसको प्रति लीटर कुछ तो पड़ रहा होगा। जैसे मैंने 10 के भाव का दूध मिलाया, 1 के भाव का पानी मिलाया, दूध और पानी का मिश्रण, अब वो जो दूध और पानी का मिश्रण है उसमें भी तो प्रति लीटर मेरे को कुछ ना कुछ तो पैसा लग रहा होगा ना, प्रति लीटर कुछ तो मेरे घर में से लग रहा होगा, वो हमें नहीं पता। और आप देखो आगे क्या बोला है, क्या बोला है सवाल में, ठीक है। एंड मिल्कमैन सेज, और दूध वाला कहता है सच्चाई नहीं है, दूध वाला कहता है, तो दुकानदार तो हमें ना जाने क्या क्या कहते हैं कि भैया देखो 10 ही रुपया कमा रहा हूं, 20 ही रुपया कमा रहा हूं, लेकिन वो जो कहता है क्या वो सच होता है क्या? जरूरी नहीं है वो सच है। तो देखो दूध वाला कहता है, मिल्कमैन सेज, दूध बेचने वाला 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। दूध वाला कहता है ऐसा, बेच नहीं रहा है वो, ठीक है ना, वो कह रहा है कि भैया 20% लाभ पर बेचता है ना, हिंदी में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, दूध बेचने वाला 20% लाभ पर बेचता है, उसका मतलब है कहता है वो 20% लाभ पर, और 20% लाभ पर यदि बेचता है, ये भी सही है, मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी, है ना, ठीक। मिल्कमैन सेज दैट ही टेक्स 20% प्रॉफिट व्हेन सेल मिल्क, फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंट इफ ही मिक्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1। दूध और पानी को उसने किस रेशियो में मिलाया, लास्ट में दिया है, दूध 10 के भाव का, पानी 1 के भाव का, दूध और पानी को किस रेशियो में मिलाया उसने 2:1 में, ये चीज हमें लास्ट में बताई गई, लास्ट में कि भैया दूध और पानी को किस रेशियो में मिलाया गया, दूध और पानी को मिलाया गया 2:1 में, ये चीज हमें लास्ट में बताई, ठीक। अब देखो क्या है कहानी, कैसे बेचता है वो तो छोड़ो, कैसे बेचता है वो तो छोड़ो, पहले हम ये तो पता कर लें कि उसको अपनी दुकान में वो मिश्रण कितने का पड़ रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, शांति समझो, मैं समझाना चाह रहा हूं, देखो सवाल हल होने को तो यूं हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें, जब समझते तो चीजें ज्यादा क्लियर होती है। 10 के भाव का दूध में लेकर आया, 1 के भाव का पानी लेकर आया, दोनों को मिला के मिश्रण बना रहा हूं 2:1 में, यदि ये 2 लीटर मिलाऊंगा तो ये 1 लीटर मिलाऊंगा, यदि ये 20 लीटर मिलाऊंगा तो ये 10, यदि ये 200 तो ये 100, ऐसा कहने का मतलब है इस रेशियो का कि ऐसे मिलाना है, तो ऐसे जब मैं मिलाऊंगा तो मिलाने के बाद प्रति लीटर का कुछ तो मेरे को खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, मिलाने के बाद, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, दोनों को दूध और पानी को मिलाने के बाद मिश्रण का कुछ तो प्रति लीटर मेरे जेब से बन रहा होगा कि भैया हाँ भैया मिश्रण मिलाने के बाद मेरे को प्रति लीटर इतने का पड़ रहा है अपने घर में, ठीक। तो वही चीज हमें निकालनी है, मिश्रण की लागत। तो मैंने आपको जब एलिगेशन स्टार्ट किया था, मैंने वेरिएशन उसमें बताया था कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 10 और 1 में दूरी कितनी है, 9, 10 और 1 में कितनी दूरी है, 9, 10 और 1 में दूरी कितनी है, 9, देखा कि आप लोगों ने, तो 10 और 1 में दूरी है 9, 9 को 2:1 में बांटा जाता है, बताया है मैंने सब कुछ बताया है, 9 को 2:1 में बांटा जाता है, तो 2 = 6 लीटर और 1 = 3, देखो इतना आप कर लोगे मेरे को विश्वास है, 9 को 2:1 में बांटेंगे 6 आएगा 1 3 आएगा, है ना, तो 1 आएगा 6 और 1 आएगा 3, ठीक है ना, 1 आएगा 6 और 1 आएगा 3, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3,
और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6। या तो आप इधर से इधर आ जाओ या फिर इधर से इधर आ जाओ। अब मिड वैल्यू 10 में 3 जोड़े या घटाए किस आधार पर डिसाइड करते हैं? रेंज के अंदर आना चाहिए। यदि मेरा मन किया 10 में 3 जोड़ दूं 13, मेरा मन किया कि 10 में 3 जोड़ देते हैं, सॉरी 10 में 3 जोड़ देते 13, क्या 1 से 10 के बीच में 13 आता है? नहीं, हमने गलत किया। यानी कि 10 में 3 क्या करो कि घटाओ। ये दूरी कितनी है? 3, कितना आएगा? 7। यानी कि जब मैंने 10 के भाव का दूध और 1 के भाव का पानी मिलाया तो मिश्रण अपने घर में कितनी लागत पड़ रही है मेरे को? वो मिश्रण मेरे को 7 रुपए प्रति लीटर पड़ रहा है। वो मिश्रण मेरे को अपने घर में सच्चाई क्या है? 7 रुपए प्रति लीटर। इस कहानी की सच्चाई क्या है? मेरी दुकानदारी, मेरे उस मिश्रण की, जो दूध मेरी आंखों के सामने रखा है, एक्चुअली दूध और पानी का मिश्रण, उसकी मेरे लिए, दुकानदार के लिए सच्चाई क्या है कि प्रति लीटर मेरे को कितने का पड़ रहा है? 7 का। अब जब ग्राहक मेरे पास आया तो ग्राहक को क्या बोलूंगा मैं कि भैया देखो 10 के भाव से दूध खरीदा, वो देखो वो ट्रक वाला खड़ा, वो ट्रक वाले से मैंने, ट्रक वाले आते हैं ना बड़े बड़े दूध ले लेके कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर लेके, तो मैं दुकानदार को क्या बोल रहा हूँ, सॉरी ग्राहक आया मेरे पास दूध लेने, उसको क्या बोल रहा हूँ? देख वो होलसेल वाला ट्रक वाला दूध वाला खड़ा, उससे भी 10 के भाव से दूध खरीदा मैंने। मैं क्या उसको अपनी सच्चाई बताऊंगा कि पानी मिला के मैंने ये किया? सवाल का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, सवाल का मतलब आप समझें। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि देखो ट्रक वाले से अभी 10 के भाव से दूध खरीदा, और मैं कह रहा हूँ ग्राहक को, कह रहा हूँ कि भैया मैं 20% लाभ पर बेचता हूँ। देख 10 के भाव से खरीदूंगा तो 20% लाभ पर बेचूंगा, यानी कि 12 रुपये प्रति लीटर बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? मैं ग्राहक को ऐसा कह रहा हूँ, सवाल का इंटेंशन है कि भैया 10 के भाव से मैंने खरीदा दूध, वो ट्रक वाला खड़ा वहां पर, 10 के भाव से खरीदा दूध, वो ट्रक वाला खड़ा वहां पर, और देख 20% लाभ पर बेच रहा हूं। देखो कहा है ना सवाल में, मिल्कमैन सेज दैट ही टेक्स 20% प्रॉफिट। मिल्कमैन कहता है ग्राहक से, भैया देख 20% लाभ लेता हूं मैं तो, है ना, वो 10 के भाव से खरीदा और 20% लाभ, यानी 12 के भाव से बेचूंगा। ये कहानी है सवाल की। अपनी सच्चाई साफ थोड़ी ना बताएगा मैं, वो घर में पानी मिला के कितने का पड़ रहा है? सीधी सी बात है, वो खड़ा ट्रक वाला 10 के भाव से उससे खरीदा, देख पूछ ले जा करके, और 20% लाभ पर तेको बेच रहा हूं, यानी 10 का दूध कितने में बेचूंगा? 12 में। यानी कि फाइनली उसने ग्राहक को किस रेट से बेचा? 12 के रेट से बेचा। और यदि मैं अपनी दुकानदार, मैं एज अ दुकानदार अपनी बात करूं, तो सच में मैंने जो 1 लीटर उसको 12 के भाव से बेचा, वो 1 लीटर मैंने खरीदा कितने में था? 7 में। मेरे को कितना लग रहा है अपनी जेब से? 7 लग रहा है, और आ कितना रहा है? 12। लगा 7 और आया 12, यानी कि कितने का प्रॉफिट है? 5 का। लगा 7 और आया 12, यानी कि कितने का प्रॉफिट है? 5 का। समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा, ठीक है ना, क्लियर। तो 7 से 12, 5 का लाभ है 7 पर, 5 का प्रॉफिट है 7 पर इंटू 100, तो 500/7% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? देखो आप ऑप्शन, वो लिखा है कहा सी वाले में, 500/7% का प्रॉफिट होगा। तो आज शायद अपने अच्छे खास सवाल हो गए हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे सारी कहानी क्या है। तो मैं एक दो वादे आपसे कर रहा हूं कि देखो एग्जाम सर पे है, थोड़ा सा जुनून से उभर के थोड़ा सामने आइए, मजे ले लेंगे हम मैथमेटिक के, और थोड़ी सी मैं प्लानिंग कर रहा हूं एडवांस की भी, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो अभी मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं आपको एडवांस के लिए, लेकिन अरिथमेटिक मेरी जिम्मेदारी आप लोगों की, ठीक है। ये शीट में अपलोड करवा रहा हूं, वहां पर शीट आप लिंक से डाउनलोड करिए, शीट सामने रखिए, हम अरिथमेटिक से बिल्कुल गेम बना देंगे, बहुत अच्छे से खेलेंगे अरिथमेटिक से। तो ये आज क्वेश्चंस की हमने, अब मैंने क्या बोला आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करूंगा, एक एक घंटे की वीडियो डालने की मैं प्लानिंग कर रहा हूं, एक दिन छोड़कर एक दिन डालूंगा एक एक घंटे की, ताकि प्रैक्टिस भी हो सके, थोड़ा सिलेबस हम जल्दी भी कवर अप करें, क्योंकि एग्जाम सामने है, और 1 मार्च से 10 मार्च के बीच हम युद्ध चालू कर रहे हैं, मतलब ये सोच लो आप, शीट वाला खतरनाक वाला गेम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा आप, हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको, स्पीड टेस्ट चालू करेंगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियोस में मेरे साथ बने रहिए। तो यही कहानी आज की हमारी, वही कहानी, फिर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, देख लेना अपने हिसाब से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।